आजपर्यंत तुम्ही अनेक लग्न समारंभ बघितले असतील, मात्र कधी कुत्रा आणि कुत्रीचं लग्न बघितलं आहे का? नवी मुंबईतील सानपाडा येथे कुत्रा आणि कुत्रीचा अनोखा लग्न समारंभ पार पडला। यामध्ये रिया असं कुत्रीचं नाव असून रिओ असं कुत्र्याचं नाव आहे। अगदी माणसांचं ज्याप्रमाणे लग्न पार पडतं त्याच पद्धतीने या दोघांचं देखील लग्न पार पडलं। यावेळी दोन्ही परिवाराकडून मोठ्या उत्साहात आणि धूमधडाक्यात लग्न समारंभ पार पडला। रिया आणि रिओचा हा अनोखा लग्न समारंभ पाहण्यासाठी नवी मुंबईकरांनी एकच गर्दी केलेली होती। मैडम, आपका नाम जानना चाहेंगे और आप किसकी तरफ से? मैं लड़की की तरफ से हूँ, लड़की का नाम रिया है, मेरा नाम भाविशा सिदानी। आपके मैडम दिमाग में कैसा ख्याल आया कि एक शादी करने है? पहली बार ऐसी हो रही महाराष्ट्र में? एक्चुअली मैं लड़के की माँ और हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, फिर हम दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे, फिर ये भी हमारे साथ एक दूसरे के घर चलते थे, फिर लड़के को और लड़की को दोनों एक दूसरे पसंद थे, फिर हमने सोचा शादी कर लेते हैं। मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट था मैडम जो लालवाज? मेहंदी पार्टी हुई, मेहंदी हुआ, संगीत अभी बारात हुआ, डीजे हुआ, शादी हुआ, अभी विदाई होगी, विदाई होगी, सब प्रॉपर जैसे शादी होती है वैसे ही हुआ। आप डॉग्स को क्या? मेरी वाइफ डॉग्स का बहुत उसको शौक था, एक साल पहले चढ़ा, एक डेढ़ साल पहले, और एक साल पहले इसी दिन को, आज हमारी एनिवर्सरी है, हम लोग एक डॉग को लेके आए, पेट को लेके आए, जिसका नाम है रियो, एग्जैक्टली एक साल पहले। ये आपको भावना कहाँ से आई, मतलब कि डॉग्स का शादी करने? नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि पहले वो रियो लाई, फिर उनकी फ्रेंड है, उनको एक पेट थी लड़की, जिसका नाम है रियो, रिया। तो आपस में इनकी बातें होती थी, तो मेरी वाइफ को पता नहीं क्यों ऐसा लगा, कोई मैरिज उसने अटेंड की, उसने बोला कि क्यों ना डॉग्स की शादी करवाई जाए। तो मैंने उसको कहा भाई डॉग्स की शादी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो सुना नहीं हमने कहीं। बोलते नहीं नहीं मुझे करवानी है। मैंने बोला ठीक है करवानी है लेकिन तो घर पर करवा लो। बोलते नहीं प्रॉपर वे में करवानी है, बारात आएगी, शादी में मंडप होगी, पंडित आएगा, सात फेरे लेगा, पूजा पाठ कराएगा। तो ये आइडिया उसी की थी, उसने शुरुआत की, और फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो ऐसे प्लान कर लेते हैं। लड़की वाले जो लड़की की माँ बाप है वो लोगों ने भी एग्री किया, बोलते ठीक है हम शादी करवाने के लिए। मेरा नाम दीपा भाटिया है और मैं रियो की मम्मी हूँ, और ये मेरी नेबर है रुचिता जैन, तो आप समझ लीजिए ये भी रियो की मम्मी है, क्योंकि मेरा रियो आधे टाइम इनके घर पर ही रहते हैं, हम लोग पड़ोसी है। एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, जब मैंने इसको लाया था तब शादी करना, इसके लिए इसको मेट करवाना किसी फीमेल के साथ, ऐसा मेरा कोई भी प्लान नहीं था, मुझे उसका मीनिंग भी नहीं पता था। लेकिन जब रिया हमारी लाइफ में आई तो रिया और इसका जो बॉन्डिंग है, जो रियल में लव है, इट्स नॉट जस्ट फेक वाला, वो ट्रू लव है, जो अफेक्शन है, वो देखकर ऐसे ख्याल आया क्यों ना हम लोग इनको मेट करवाएं, और अगर मेट करवा ही रहे हैं तो क्यों ना बकायदा शादी करवा के मेट करवाएं, तो मेटिंग की आइडिया आई। ब्यूरो रिपोर्ट, SBN मराठी, नवी मुंबई।